क्या बता रहा हूँ, आपका कचरा पहले निकाल देते हैं ना, लाओ ये रहन दो आप बात। अरे अरे नुकसान नहीं करो आप। अरे नुकसान नहीं कराओ। अरे वो कचरा है, मत करिए। ये कचरा है, आप ये मत करिए। आप अपना अपना मांगा, मेरी बात सुनिए। वो कचरा आप नहीं भर पाओ, घर जाना। हाँ, मैं भर पाऊँ। वीडियो को जितना बने हो सके इतना पूरे इंडिया को इंतर शेयर कर दीजिए। जहाँ पे भी मेरी भाषा को लोग समझ रहे वहां तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। पूरी चमड़ी जल चुकी है, इतनी बीमारी हो चुकी है, उंगली इतनी पक चुकी है कि मैं देख के भी हैरान हो गया हूँ। प्लीज आप शेयर कर देना मेरे खातिर। पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में किस तरह से रह रहे हैं। थैंक यू। लकड़ी बकड़ी मत मारना, इधर लाओ लकड़ी, लाओ मुझे दो। इधर बाहर आ जाओ, चलो बाहर आओ। इधर इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ। इधर बाहर आ जाओ, दूसरे सब लोग चले जाओ ना इधर उधर से। अरे बाप रे, इधर आ जाओ। अरे वहाँ मत जाओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका भगवान? क्या नाम है? रयुद्दीन। रयुद्दीन कहाँ से? आलम कुरैशी। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो भगवान आप? वहीं से, मुझे बादशाह भैया हैं। कौन से राज्य से हो? उनसे नहीं है, मुस्तफा डॉक्टर से। अरे बाप रे, ये क्या हुआ है आपको, ये दिखाओ। अरे बाप रे, ये क्या मतलब, ये पूरा अंगूठा आपने, ये आंगली आपके पूरी सूज दी यार। ये दिखाओ हाथ, यहीं पे है कि और जगह पे है? अरे बाप रे, ये हाथ दिखाओ, ये रख दो, सब रख दे। ये दिखाओ, कितने दिन से रह रहे हो? है सही है, क्या सही है यार, ऐसी जिंदगी हालत बना रखी है। इधर खड़े हो जाओ, रहने दो, उसको रहने दो, सब रहने दो। कहाँ से हो आप, आपका नाम पूरा बताइए। नहीं है, है? नहीं है। कहाँ पे दुकान आपकी? मुस्तफा डॉक्टर है। अच्छा अच्छा दोस्तों, अभी हम सानंद में है और यहाँ पे एक भगवान के लिए, दोस्तों यहाँ पे सानंद के रेलवे फाटक के पास एक भगवान के बारे में हालात बहुत ही गंभीर है और यहाँ पे ट्रैफिक भी हो गई है, तो चलिए हम डायरेक्ट उसको लेके जा रहे हैं, उसकी कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खड़े हो जाओ एक मिनट, आपका हाथ दुख रहा है ना, आप मेरे साथ चलो, हम अस्पताल जाते हैं ना। आ जाओ, चलो गाड़ी पीछे ही आ जाओ, इधर इधर चलो। देंगे बेचारे दुकान वाले, हैं दुकान वाले पैसे देंगे? हाँ हाँ, दुकान पे लेके जाएंगे ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। इटावा से बता रहे हो? इटावा से बता रहे हैं। इटावा नाम कुछ मोहम्मद बता। इधर आ जाओ, इधर मैं भी बात में आता हूँ। दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी हम जा रहे हैं आनंद और बहुत भगवान की हालत बहुत गंभीर है। आप कितना, आप ही खाना बना खिला देते हैं, कुछ नाम बता रहे हैं वो? नाम तो नहीं, गांव इटावा बता दे। इटावा, उसके परिवार में कोई वगैरह है? नहीं ऐसा नहीं बता दे, खाली लिख के मेरे को बता। मैंने बोला गाँव कौन सा है तेरा, तो चिट्ठी में मैंने उसको चिट्ठी दी तो उसमें इटावा। इटावा, तो वो कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे? कम से कम दो महीने के आसपास से, तो मेरे पास तो छः महीने। छः महीने बैठता है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, थैंक यू। और कुछ बदलाव लाते हैं, ठीक है? और ऐसे कोई व्यक्ति रहता है आसपास में तो थोड़ी उसके सब शरीर का बहुत हल्का करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका मानसिक स्थिति सही हो। दोस्तों काफ़ी लोग हमें व्हाट्सअप करते हैं, बट कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद एक से अपेक्षा रखते हैं कि हम खुद आके वो कर सकें, बट ऐसा सब जगह पर संभव नहीं है। सभी लोगों को समझना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बदलाव लाइए और चलिए दोस्तों, पूरा एपिसोड देखिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कितने कपड़े पहने, दिखाओ, खड़े तो हो यार, आप ऐसा क्यों करते हो हमसे? हमसे नाराज मत हो, आपके मैं घर के हूँ, आपका घर का खान साहब से नहीं हूँ मैं, भगवान को भेजा हुआ एक ऐसा बंदा हूँ जो आप जैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ, ठीक है? ये कपड़े कितने पहने, एक दो तीन चार पाँच छः,
दोस्तों आप सोचिए कि 42 डिग्री तापमान में 6 जोड़ी कपड़े पहने हैं भाई ने, और आप नज़दीक से आइए, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं नहीं दिखा पाया, पर इसके हाथ की हालत देखिए आप, उंगली की हालत देखिए, ये पूरा लोखन का यहाँ पे कड़ा है। पानी लेके आओ भाई जल्दी। ये भगवान आपको एक कैसे डाला था आपने, है ये लो ठंडा पानी पी लो। चलिए कोई बात ना, मस्त पहले है ना, फ्रेश हो जाते, चलो खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है, पर मेरी बात सुनो, अब ये जो जगह है ना, ये हमारी गवर्नमेंट की जगह है, और जो ज्योति सामाजिक सेवा संस्था है उसके जो सपोर्टर, ये आपको रहने की व्यवस्था हम दे रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ इधर, वहीं रहेंगे। अरे अरे आपको सही मस्त एक इंसान बना देते, अंदर आ जाओ, चलो अंदर। मत करो क्या, सही कह रहा हूँ, उनको तकलीफ हो जी, काम मत। अच्छा 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 अच्छा, इधर आ, बस इधर खड़े रहना, वो मत करना, बस क्या बता रहा हूँ, आपका कचरा पहले निकाल देते हैं ना, लाओ ये रहने दो आप बात। अरे अरे नुकसान नहीं करो आप, अरे नुकसान नहीं कर रहा हूँ, हल्का कर रहा हूँ आपका, अरे आपका शरीर का बोझ हल्का कर रहा हूँ। दुकानदारी पर मछुआ, अरे वो कचरा है, मत करिए, कचरा है, ये मत करिए आप, अपना अपना मांगना, मेरी बात सुनिए, वो कचरा आप नहीं भर पाओ, घर जाना, मैं भर पाऊँ। तो यार तुम यार ऐसे कर रहे हैं, सॉरी मैं घर वालों से करी, हमने माफ कर दो भगवान, माफ कर दो, हाँ गलती, धीरे धीरे उधर दुखना, दुखे नहीं ना यार, तुम अपना काम मना रहे हैं, क्या बात है, पजामा मंगा रहे तुम लाओ। अरे अभी नया देता हूँ ना पजामा आपको, नया देता हूँ, सामान को गड़बड़ी नहीं हो, सही कह रहे, कुछ नहीं होगा आपके सामान को, सही रहता, इधर रख दो, ये निकाल दो, ये भी निकालो, ये निकालो। दोस्तों मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसे व्यक्ति कैसे रह पाते होंगे यार, इसको तो भगवान ही बचा सकता है, हैं पूरा वाइसर उंगली में गाल दिया दोस्तों, देखिए उंगली में है ना वाइसर है, इतना बड़ा वाइसर, उसको काटने के लिए भी हमें दूसरे व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। कातर लाओ, बाद में आप इनाम देना मुझे, हाथ ले लो लग जाएगा, ये निकाल दो। अरे मरी जाइए। मैं तो दोस्तों 6 जोड़ी बता रहा था, पर यहाँ पे तो मुझे लग रहा है पूरा गोदाम भरा हुआ है, 10 से 12 जोड़ी शर्ट पहने इतनी गर्मी में, आप हम एक कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो भी आप देखिए यहाँ पे कि कितने कपड़े निकले, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे अभी 6 भी शरीर में है। यार लेडीज का कपड़ा भी पहन लिया आपने, हैं अरे बाप रहा तो जो क्या हो गया, अरे बाप क्या हो गया, ये यार आपका बॉडी तो देखिए यार, भगवान भगवान रुकिए कुछ हिलना मत, दादा कर दे तुम, दादा बस बाल बांधने, लेडीज के बाल बांधने का ये है रिंग, ताबीज़ ताबीज़ बोल रहे हो, पूरा चमड़ी का रोग जम चुका है दोस्तों, और इतनी बुरी हालात मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखे, मैं रात में इतनी गर्मी में इतना बोझ लेके जीना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें आगे आना पड़ेगा ऐसे भगवान के हालात बदलने के लिए। आप अपने आसपास एरिया में जाइए, हमें कोई शौक नहीं है ऐसे वीडियोग्राफी करके आपको दिखाने का, बट हम ये उद्देश्य के साथ काम करते हैं कि आप भी इससे कुछ सीखिए और आसपास लोगों की मदद कीजिए, बस यही हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। वीडियो को जितना बने हो सके इतना पूरे इंडिया को इधर शेयर कर दीजिए, जहाँ पे भी मेरी भाषा को लोग समझ रहे वहाँ तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, पूरी चमड़ी जल चुकी है, इतनी बीमारी हो चुकी है, उंगली इतनी पक चुकी है कि मैं देख के भी हैरान हो गया हूँ। प्लीज़ आप शेयर कर देना मेरे खातिर, पूरे इंडिया में पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में किस तरह से रह रहे हैं। थैंक यू।
अब हर रोज ना लोगे हैं? ना लोगे अब नहीं हैं? दोस्तों इस गर्मी के कारण भाई का पूरा शरीर जल चुका है। आप मेरे इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गर्मी में रहने। ये आप देखिए इधर, यहाँ पे भी देखिए, आप पूरा बॉडी पे इतने जख्म है कि मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि ऐसे व्यक्ति कैसे जी पाते होंगे यार। चलो शुक्र है कि आज हम टाइम पे पहुँच गए, और आज जिस भाई ने हमें, अब हाथ नहीं दुखाऊंगा, नहीं दुखाऊंगा, ये पहन लो बस मस्त है ना। इधर आ जाओ बस। इतना सुकून महसूस करते होंगे कि उसका शरीर का 50% जो बोझ था वो हल्का हो गया। अभी इसका शरीर का जो जख्म है, अभी हमें हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। हेलो भगवान, ये खाना खा लो। तुम खाओ, मैं अभी खा लूँ। हाँ चलो, मैं भी खा लेता हूँ। भाई बहुत ही मंद है। आप तो खाओ पहले, आप रोटी सब्जी खाओ पहले। आप खाओ, लो। अरे मैं नहीं, पहले आप खाओ, मैं बाद में खाता हूँ। अरे खाओ, आप खाओ धीमे धीमे, धीरे धीरे खाओ। दोस्तों जो भी लोग रोड पे रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उसको टाइम पे अन्न ना मिलने के कारण ये जो अनाज होता है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उसको कुछ ना कुछ खाना दे जाता है। जिस हिसाब से मान लीजिए कोई कुरकुरे हो गया, या फिर वेफर्स हो गया, या फिर कुछ बाहर की चटाका पटाका, पर टाइम पे जो अन्न ना मिलने के कारण व्यक्ति का जो जठर होता है वो बहुत ही संकुचित हो जाता है, और उसकी वजह से मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। तो टाइम पे जो रोटी सब्जी मिलती है कोई भी व्यक्ति को, व्यक्ति के मानसिक रूप से हालत सुधर जाती है। आज हमारे भाई की हालत कुछ ऐसी ही है, और आज इस भगवान की कुछ ऐसी कंडीशन देख के बहुत ही अजीब लगा मुझे। कैसी भी हालत हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। खा लो आप बस शांति से। तो बस दोस्तों, हमें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप भी अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए, और एक इंसान एक इंसान की मदद करना, एक कोई भी नाजात देखे बिना आप कुछ भी करके लोगों की मदद कीजिए। इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि आप सभी लोग इससे कुछ सीख सकते हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया आश्रम जो बन रहा है ऐसे भगवान के लिए, तो सपोर्ट दीजिए, रहिए सपोर्ट दीजिए। आगे फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।